सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ना बैक टू बैक नॉन स्टॉप क्लचेज होने वाले हैं। तो अभी फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई मैं जॉर्ज पूल में कूदा था और भाई यहाँ पे ना मेरे साथ एक और स्क्वाड आई हुई थी, और जैसे ही ये लोग देखते हैं ना कि भाई मैं सोलो से स्क्वाड खेल रहा हूँ, ये लोग ना मेरे ऊपर सीधा रश कर देते हैं। तो अभी देखना, अब गाइस इन तीनों को तो मैं यहाँ पे मार देता हूँ, पर इनका लास्ट बंदा यहाँ पे होता नहीं है। तो मैं सीधा निकल जाता हूँ जॉर्ज सिटी की तरफ, और भाई यहाँ पे ना गलत सीन होने वाला है। तो भाई मैं जा रहा था ब्रिज की तरफ, और तभी मैं देखता हूँ कि भाई शॉप पे ना बंदे हैं। तो मैं सामने वाले घर पे जाके अपनी गाड़ी रोक देता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे आके रुकता हूँ ना भाई, ये लोग मेरे ऊपर सीधा रश कर देते हैं। और भाई अगर तुम लोगों को एक क्लच पसंद आया हो ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई तुम में से 70% से भी ज़्यादा बंदे भाई चैनल को बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं। तो भाई ऐसा मत क्या करो यार, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अभी गाइस मैं यहाँ पे कूदता हूँ स्नो विलेज में, और यहाँ पे मुझे मिलती है स्नो गन, तो मैं सीधा बंदों पर रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने तीनों बंदों को स्नोमैन बना दिया था, पर भाई दूसरी टीम आके मेरे किल चुरा लेती है। इस बंदे को बर्फ बनाया, तो सबसे पहले भाई इसका किल लेते हैं, और उसके बाद जाते हैं नीचे दूसरे बंदों पे। और इसी के साथ तुम्हारा भाई यहाँ पे स्नो गन से क्लच मार देता है। हाँ, किल्स नहीं मिले वो बात अलग है, किल्स चोरी हो गए। अभी यहाँ पे मेरे ऊपर एक स्क्वाड रश कर देती है, तो मैं सबसे पहले तो एक नेट बिन करता हूँ। और इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी गाइस मेरे नीचे वाले फ्लोर पे ना बंदे कैंप करके बैठे हुए थे, तो अभी देखना भाई इनको कैसे मारता हूँ। और
भाई 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 ये बंदा यहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहा था। मतलब यार मैंने बहुत ही कम टाइम के लिए पीक दी थी, पर भाई इतने में ना ये बंदा मुझे 1 HP कर देता है। तो भाई अभी हेडशॉट्स काउंट करना तुम। अब इसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, तभी मुझे एक स्क्वाड दिखाई देती है। बिकॉज मैं यहाँ पे खेल रहा था सोलो से स्क्वाड और मेरे सामने वाली बिल्डिंग में थे बंदे, तो मैं सीधा बंदों पे रश कर देता हूँ। और अभी देखना लास्ट वाले को कैसे भगा भगा के मारूंगा। और भाई इन दोनों के साथ तो बहुत ही गलत स्कैम हुआ है यहां पे। अभी कैसे मेरे सामने वाली बिल्डिंग में थे बंदे, और भाई फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना कि ये नया अपडेट तुम लोगों को कैसा लगा। पर्सनली मैं बताऊं तो भाई इस अपडेट में ना भाई बहुत ही ज़्यादा कैंपर हैं, तो यार ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगी इसमें कि भाई इसमें कैंपिंग की ना बहुत ज़्यादा स्पॉट्स दे रखे हैं, और जिसकी वजह से बंदे यार नॉर्मल अपना गेम खेल ही नहीं रहे, बस वो कैंप करके बैठे रहते हैं, कोई बंदा आता है तो उसको पीछे से मार देते हैं। अभी दो बंदे यहाँ पे नॉक कर ही दिए थे, तो अब टाइम था बंदों पे रश करने का। भाई मैं था नोवो में और भाई मेरे सामने ना पूरी की पूरी एक स्क्वाड दी, तो अभी देखना बैरक्स बंदा। अब जैसे ही मैं इन बंदों को मारता हूँ ना, यहाँ पे हमारे ऊपर एक और स्क्वाड पुश कर देती है। सो गाइस मेरे सामने रूम में थे बंदे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नेड पिन करता हूँ, पर भाई इतने में ना मेरा टीममेट अंदर जाके नॉक हो जाता है, तो मैं सीधा अंदर घुस जाता हूँ। अभी नीचे से इनकी टीम का लास्ट बंदा आता है,
और सही में यार इस अपडेट को मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिस करने वाला हूँ। कहाँ चली जाती है वहाँ जाती है अभी एक को नॉक फिनिश डाल दिया, अभी बचे थे बाकी के तीन बंदे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक नेड पिन करता हूँ। अबे कमेंट करके बताओ कि मेरी यूएमपी की ग्लेशियर स्किन तुम लोगों को कैसी लग रही है। कर दो फटे सेक्सी। अब बचा था इनका लास्ट बंदा, तो उस पर भी सीधा रश कर देता हूँ और इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ भाई ये अपने टीममेट्स को बुला लेता है। हेलो भाई, अरे मत मारो भाई, मत मारो भाई, ये आया आया, मारो भाई इधर। अब इसके बाकी के दो बंदे और आ जाते हैं जो कि मुझे अलग अलग एंगल से मारने की कोशिश कर रहे थे भाई। आज भी तो इस तरीके से रहे हैं। और भाई जब तक ये अपडेट पबजी में था तब तक तो मुझे अपडेट बड़ा कूल लग रहा था, पर भाई जब से बीजीएमआई में आया ना भाई मेरा दिमाग खराब हो गया है। मतलब यार बंदे बहुत गंदा कैंप कर रहे हैं यार, मतलब सीरियसली भाई बंदे यहाँ पे डिब्बों के अंदर बैठ जाते हैं और पता भी नहीं चलता। खैर अभी सामने एक गाड़ी थी, मैंने फायर किया तो भाई ये लोग पीछे मुड़ जाते हैं मेरे को मारने के लिए। तो अभी देखना और भाई इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी गाइस मैं जा रहा था पोचिंगी की तरफ तभी मुझे रास्ते में बंदे मिल जाते हैं। भाई यहाँ पे ना पहली वाली टीम का लास्ट बंदा भाई मेरे को मार देता है, दूसरी टीम भी मैंने मार दी थी। खैर अभी मैं होता हूँ मिलिट्री बेस में और भाई यहाँ पे ना पूरे के पूरे चार बंदे मेरे पे रश कर देते हैं। अब ये लोग मेरे ऊपर पीक ही नहीं कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ इस तरह की हरकत करूंगा तो शायद ये मेरे पे पीक करें, पर भाई ये हरकत ना उल्टा मुझे ही भारी पड़ जाती है।
भाई क्या ही सरवाइव किया यार यहाँ पे। खैर अभी मैं होता हूँ पोचिंग की में। अब बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि सामने था। बिकॉज मैं जस्ट अभी रिकॉल हो गया ना स्कूल अपार्टमेंट में कूदा था और भाई यहाँ पे ना पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी। तो भाई अभी देखना और इसी के साथ इन चारों को भी खेल खत्म कर देते हैं। और भाई अभी एक बार ये कार स्प्रे देखना। अब बचा था इनका लास्ट बंदा जो कि बाहर था। तो भाई मैं था मिलिट्री बेस में और भाई मेरे पे ना यहाँ पे बंदे रश कर देते हैं। अभी दो बंदे नॉक किए, बाकी के दो बंदे सामने वाली बिल्डिंग में थे। और इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। सो गाइस यही था आज की वीडियो के लिए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि भाई आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।